नमस्कार, मैं संजय कड़ीवाल और हम सब मिलकर कर रहे हैं खरीफ क्रॉप डिजीज। खरीफ क्रॉप डिजीज में आज की जो बीमारी, आज की जो डिजीज है वो है टमाटर की अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो, जिसको हिंदी में कहते हैं टमाटर की अगेती अंगमारी। ब्लाइट का मतलब अंगमारी होता है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो पौधे का एक विशेष भाग होता है उसी पर सिम्टम अपीयर होते हैं, उन्हीं पर डैमेज कोज होता है, इसलिए इसको बोला गया अंगमारी। अगेती अंगमारी या अर्ली ब्लाइट इसलिए बोला गया है कि बुआई के विद इन वन मंथ, एक महीने के अंदर अंदर अपने को सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। इस डिजीज का प्रकोप, इस डिजीज की सेवेरिटी दिखाई देती है, इस वजह से इसको बोला गया अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो। ठीक है, अब बात आती है दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है पैथोजन कौन है। यहां पर जो कॉजिटिव एजेंट है या पैथोजन है वो एक फंगस है, फंगल डिजीज है। ये अर्ली ब्लाइट और टमाटो है वो फंगल डिजीज का एग्जाम्पल है, और यहां पर फंगस का नाम है ऑल्टरनेरिया सोलेनी। सोलेनी इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि जो टमाटर है वो सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, इस वजह से इस फंगस का नाम अपनों ने रखा है ऑल्टरनेरिया सोलेनी। और अगली बात क्या आती है, सिम्टम्स। मोस्टली लीव्स के ऊपर ही सबसे पहले सिम्टम अपीयर होते हैं। सिम्टम्स जो अपीयर होंगे वो बहुत खास है, टारगेट बोर्ड इफेक्ट, या आपने देखा होगा जो टारगेट बोर्ड होता है जिसपे अपने डॉट मारते हैं या फिर अपने निशाना साधते हैं, सर्कल बना होता है, सेंटर में अगर आपने टारगेट कर दिया तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, आजू बाजू करेंगे तो कम मिलते हैं कंपेरेटिवली, तो वो आपने बोर्ड देखा हो, उसमें बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग्स होती है। कंसेंट्रिक रिंग्स का मतलब क्या है, बहुत सारी रिंग्स है लेकिन उनका जो सेंटर है, जो उनका सेंटर है सभी रिंग्स का, वो एक ही होता है, इस वजह से इनको बोला गया कंसेंट्रिक रिंग्स। चाहे 10 रिंग क्यों ना हो, उन सब का सेंटर एक ही होगा, तो कंसेंट्रिक रिंग्स अपने को दिखाई देती है, और रिंग्स के चारों तरफ अपने को हेलो स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है। हेलो मतलब येलो कलर की रिंग एक्स्ट्रा भी अपने को नजर आती है, इस वजह से वो बाहर से दूर से ही चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं वो टारगेट बोर्ड इफेक्ट की तरह अपने को दिखाई देते हैं लीव्स के ऊपर, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस बीमारी का। इसको अपने दूर से ही पहचान सकते हैं कि टमाटर को अर्ली ब्लाइट हो गया, और अगर लीव्स पे अटैक हो गया, लीव्स के ऊपर अटैक कर दे किसी भी पैथोजन ने, तो इसका मतलब पूरे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, और जो प्लांट की लीव्स है वो धीरे धीरे येलोइंग होना स्टार्ट हो जाती है, पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है, प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर पाता, प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है। ये सब सिम्टम है इसके। अब अपने को पता लग गया कि अपने टमाटर को, अपने क्रॉप को डिजीज हो गई है अर्ली ब्लाइट, मैनेजमेंट करना बनता है। मैनेजमेंट में अपने कर सकते हैं मैंकोजेब अपने काम में ले सकते हैं 2.5 ग्राम पर लीटर, 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम डाल देंगे, स्प्रे करेंगे लीव्स के ऊपर। मैंकोजेब के अलावा दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है अपने पास, ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अपने 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लीव स्प्रे के लिए काम में ले सकते हैं, पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, और अपने स्यूडोमोनास कल्चर काम में ले सकते हैं। बैक्टीरियल कल्चर होता है, स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, उसका अपने कल्चर लेकर आएंगे, मार्केट में अवेलेबल होता है, वो अपने लेकर आएंगे, उसको स्प्रे करेंगे अपने लीव्स के ऊपर। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, एक घरेलू नुस्खा है जिसके अंदर अपने अदरक का पेस्ट तैयार करेंगे, जिंजर पेस्ट तैयार कर लेते हैं, 10% के हिसाब से उसको पानी में मिलाकर घोलकर उसका स्प्रे कर सकते हैं अपने पत्तियों के ऊपर, जिससे इस डिजीज की सेवेरिटी कम हो जाती है। तो ये मैनेजमेंट हो गया। लास्ट में अपने पढ़ते हैं डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज में वो सेम रहती है जो अपनों ने पढ़ी थी अभी लास्ट, जो अपने डिजीज थी वो भी टमाटर की थी। लीफ कर्ल ऑफ टमाटो में जो अपनों ने वैरायटीज पढ़ी थी वो सेम वैरायटीज यहां पर भी इंक्लूड कर सकते हैं। अर्का रक्षक, अर्का अनन्या और अर्का सम्राट, ये सब अपने यहाँ पर काम में ले सकते हैं। इस तरह से अपने आज कवर कर लिया अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो को। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में किसी नेक्स्ट क्रॉप डिजीज को कवर करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।